राजा के बारे में सीखने वाला है डेविड शेपर्ड बॉय से एक चरवाहा से राजा बना किससे चरवाहा से राजा बना उसकी पीढ़ी कोई राजा का परिवार नहीं है कोई राजा का पीढ़ी नहीं है बट एक चरवाहा था परमेश्वर ने उसको राजा बनाया और उस राजा है जिसने 66 लड़ाई लड़ा और एक भी लड़ाई हारा नहीं है अपनी जीवन काल में आपने युद्ध देखा हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान चाइना हमने युद्ध छुटमुट तो देखा होगा ना पिछले पच्चीस तीस साल में कुछ लोग तो आप साठ सत्तर का है, आपने 1970s का वॉर देखा होगा जब एक देश दूसरा देश के साथ लड़ता है उसकी पूरी इकोनॉमी क्या होता है टप हो जाता है नीचे चले जाता है देश पच्चीस साल पीछे चले जाता है रिसोर्सेस खत्म हो जाता है बट दाऊद छियासठ लड़ाई लड़ा सिक्सटी सिक्स लड़ाई लड़ा एक भी लड़ाई में देश हारा नहीं और हमेशा हर लड़ाई के बाद देश को उसने आगे लेके चला तो उस राजा के बारे में हम सीखेंगे इसराइल को यहूदियों को सबसे ज्यादा मिलिट्री में सक्सेस लेके आया और येरिशलेम को कैप्चर करके इसराइल का कैपिटल बनाया हुआ उस राजा इसराइल के लिए सबसे ज्यादा धन इकट्ठे किया गया मंदिर बनाने के लिए फाउंडेशन इकट्ठे किया गया उस राजा के बारे में सीखने वाले हम आप ध्यान से सुनेंगे और उस राजा यीशु मसीह को सन ऑफ डेविड बोल के हम प्रार्थना करते हैं दाऊद के संदान प्रार्थना में आपने सुना होगा ना यशु मसीह को क्या नाम से पुकारते बहुत बार हम हे दाऊद दाऊद के मतलब परमेश्वर मसीह पुकारतेमेश्वर यशु मसी दावुद की से आया उस आदर देते परमेश्वर और यशु उस दाऊद के बारे में सीखेंगे जिसके बारे में परमेश्वर ने वाचा बांधा जनरेशन तेरे सिंहासन बैठने के लिए कोई होगा और तुझे हमेशा मैं ब्लस करता रहूंगा उस दाऊद के बारे में हम सीखने जा रहे हैं जो आम बंदा नहीं है पड़ोसी चाचा नहीं है आपका कोई रिलेटिव नहीं है जो परमेश्वर उस व्यक्ति जो आपको उसकी लाइफ से बहुत कुछ आप सीख सकते हैं आप भजन पढ़ते हो ना भजन संहिता पढ़ते हो भजन संहिता पढ़ते हो डेढ़ सौ भजन है उसमें से अस्सी प्रतिशत से आधी के भजन दाऊद ने लिखा गया उसकी प्रार्थनाएं उसकी इमोशंस उसकी गुस्सा वो जब डरते हैं तब प्रार्थना करते हैं उसके अलग अलग प्रार्थनाएं और एक शपर्ड बॉय और एक वर्शिपर भी था दाऊद सो so आप एक मास्टर बाइबल में आप देख सकते हैं कि मास्टर प्रोडक्ट है वो है दाऊद गलतियां किया वे विचार किया फिर गलती को सुधारा उसके बाद भी परमेश्वर के पीछे से हटा नहीं प्रभु के पीछे पड़ा रहा और परमेश्वर ने दाऊद को एक दाऊद का सबसे बड़ा टाइटल किंग दाऊद राजा दाऊद नहीं है सबसे बड़ा टाइटल है जो परमेश्वर ने उसको आदर दिया ही इज आफ्टर हार्ट मेरी दिल करीब का बंदा आप कौन सी टाइटल आपका नाम जब लेते हो परमेश्वर ही इज आफ्टर माई ऑन हार्ट मेरा फ्रेंड है ये हमें तो पड़ोसी कोई काउंसिलर या किसी पैसे वाला हाथ खंधे पे हाथ डाल दिया ये एमएलए ने आपके साथ फोटो खींच लिया सेल्फी ले लिया आपका नाम भी नहीं जानता आप प्राउड फील करते हैं बट परमेश्वर ने कितनी आदर दिया उस दाऊद के बारे में हम सीखने वाले हैं सो जब आप सीखोगे मेरे विश्वास अपनी जिंदगी में आप उसको लागू करोगे आप खेती करने वाले होंगे बिजनेस करते होंगे जॉब करते होंगे बट परमेश्वर आपको हाईएस्ट लेवल पे लेके जाएंगे कौन कौन है दाऊद जो लड़ाई में हारा किसके बारे में सीखने वाले हम जो कोई भी लड़ाई में हारा नहीं है और इसराइल के लिए सबसे ज्यादा धन और सबसे ज्यादा ज्योग्राफी सबसे ज्यादा टेरिटरी कैप्चर करने वाला व्यक्ति और सबसे ज्यादा भजन लिखने वाला बंदा आराधक जो परमेश्वर का करीब का बंदा और उससे ज्यादा जिसके साथ परमेश्वर ने एक वाचा बांधा मेरा दिल की करीब का बंदा जो परमेश्वर ने बोला तेरा सिंहासन में बैठने के लिए हमेशा एक व्यक्ति होगा उसी दाऊद के घराने से निकला हुआ यीशु मसीहा आज भी राज करता है और परमेश्वर यीशु मसीह का किंगडम कोई खत्म ही नहीं कर सकता और चलते रहेंगे देश खत्म होगा पॉलिटिकल पार्टियां खत्म होंगे बंदे आएंगे जाएंगे गुरु आएंगे जाएंगे बाबा आएंगे जाएंगे फादर्स आएंगे जाएंगे पास्टर्स आएंगे जाएंगे चर्चे आएंगे जाएंगे, जाएंगे नाम चेंज होंगे आपकी पीढ़ियां दूसरे देशों में होंगे बट एक नेम एक काम जो है यीशु का नाम मसीह का नाम वो कभी खत्म ही नहीं होगा हर साल हर डेकेट स्ट्रांग होते होते रहेंगे तो आप सीखना चाहते हो ना इस दाऊद के बारे में सो रियल स्टोरी है जब आप सीखेंगे मुझे बहुत डेविड का लाइफ में बार बार सीखता रहता हूं मेरे पर्सनल बहुत सारे प्रोमिस परमेश्वर ने दिया गया बुक ऑफ सैमुल से अलग अलग जगहों से सो डिटेल आप सीखते जाओगे आप केवल चर्च में आके बैठने से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा चर्च में आएंगे प्रार्थना करेंगे बट जब आप वचनों को पढ़ेंगे और जब आपकी लाइफ में भी परीक्षा आएंगे आपको पता होगा डैनियल को परीक्षा आया डेविड को परीक्षा आया उन्होंने ऐसे हैंडल किया ऐसे काम किया और डेविड राजा ऐसे गिरा और फिर ऐसे उठा उसके लाइफ में आशीष आया हम खोलेंगे बुक ऑफ सैमुअल पहला सैमुअल अध्याय सोलह एक से लेकर तेरह तक स्क्रीन को भूल जाओ स्क्रीन को मत देखना अपनी बाइबल खोलिए पहला सैमुअल पुराना नियम ही है पहला पांच छह अध्याय नंबर्स ड्यूट्रोनोमी वो सब आगे दो चार फिर मिलेगा आपको सैमुअल पहला सैमुअल अध्याय सोलह पहला सैमुअल अध्याय सोलह एक से लेके तेरह तक पढ़ेंगे यहोवा ने श्यामल से कहा मैंने शाहुल को इसराइल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा अपने सेंग में तेल भर कर चल मैं तुझ को बेतलेहम वासी यशे के पास भेजता हूँ क्योंकि मैंने उसके पुत्र में से एक को राजा होने के लिए चुना है श्यामल बोला मैं कैसे जा सकता हूँ यदि शाउल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा यहोवा ने कहा एक बच्ची साथ ले जाकर कहना मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ और यज्ञ पर यश्य को न्योता देना तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना तब श्यामोल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बेतलहम को गया उस नगर के पूर्णियों थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे क्या तुम मित्र भाव से आया है कि नहीं उसने कहा हाँ मित्र भाव से ही आया हूँ मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ तब उसने यश्य और उसके पुत्र को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्यौता दिया जब वे आए तब उसने एलिया पर दृष्टि कर कर सोचा निश्चय यह जो यहोवा के सामने हैं वही उसका अभिषित होगा परंतु यहोवा ने श्यामल से कहा न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की और ऊंचाई पर क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है तब यशे ने अभिनदाब को बुलाकर श्यामल के सामने भेजा और उसने कहा यहोवा ने इसको भी नहीं चुना फिर यश ने शमा को सामने भेजा और उसने कहा यहोवा ने इसको भी नहीं चुना इस प्रकार यिशे ने अपने सात पुत्रों को शैमुल के सामने भेजा और शैमुल यिशे से कहता गया यहोवा ने इन्हें नहीं चुना तब शैमुल ने यिशे से कहा क्या सब लड़के आ गए वह बोला नहीं छोटा तो रह गया और वह भीड़ बकरियों को चरा रहा है शैमुल ने यिशे से कहा उसे बुलवा भेज क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया उसके तो लाली छलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडोल था तब यहोवा ने कहा उठकर इसका अभिषेक कर यही है तब शैमल ने अपना तेल को तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा तब श्यामल उठकर रामा को चला गया आमेन आमेन बस एक दोबारा पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको सिखा के समझा के आगे बढ़ेंगे उसी का 16 का एक पढ़िए यहोवा ने श्यामल से कहा मैंने शाऊल का इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है तो कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा इज़राइल का पहला राजा कौन था शाओल। सोल शाऊल और परमेश्वर ने शैमुल को आके बोला मैंने साउल को या शाउल को किंग सॉल को राजा बनने से तिरस्कार किया गया क्या इसी टाइम किंग सॉल का मृत्यु हो चुका है मृत्यु हो चुका है इसी टाइम नहीं बट परमेश्वर ने डिसीशन ले लिया ऑलरेडी इसको मैं राजपद से हटाऊंगा अगला बंदा जो मैं चाहता हूं सॉल सॉल को दुनिया ने सेलेक्ट किया था परमेश्वर का सिलेक्शन नहीं था दुनिया ने बोला अच्छा इसका बाल ये अटा कटा है लंबा है, इसका बाल लंबा है दिखने में सुंदर है लोगों ने चुना और वो फेलियर दिखाया जब लोगों ने चुनने के बाद परमेश्वर ने भी उसको आत्मा दिया गया अलग बात है बट उसको रिजेक्ट किया गया किस कारण से रिजेक्ट किया गया सोल को हाथों से राज्य जाने के लिए उसने दो गलतियां किया कौन सी दो गलतियां एक तो जो परमेश्वर ने एक बात बोला प्रोफेट सैम के द्वारा ये बेड बकरियां अमलाकाइट सबको मारना खत्म करना उसने आधा सुना आधा बात सुना नहीं और दूसरा दूसरी गलती क्या है जो जो आने के पहले प्रॉफिट पादरी का काम उसने खुद करना शुरू कर दिया दो गलतियां किया ना व्यवचार किया ना चोरी के कुछ नहीं किया एक चीज मैं आपको समझाता हूं परमेश्वर को बड़ी बातों में भी ओबे करना छोटी बातों में भी ओबे करना क्या है परमेश्वर को बड़ी बातों में भी सुनना और छोटी बातों में बड़ी बातों में हम सब सुनते छोटी बातों में नहीं सुनते परमेश्वर बोलेंगे लाख रुपए ऑफरिंग डालो हम सुनेंगे हाँ आप जा रहे बोलते हैं इसको दस दो, आप बोलेंगे अरे प्रभु बोलेगा दस रुपए देने के लिए आप सुनेंगे नहीं बहुत मुश्किल है परमे आप प्रार्थना करते ना प्रभु परमेश्वर में तेरी आवाज सुनना चाहता हूँ मुझे गाइड कर गलती मत कर ज्यादा क्योंकि जब परमेश्वर मैं कुछ मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं बट पर ऐसे मत कर वैसे मत ऐसे मत कर वैसे मत कर आपको बहुत अलग तरीके से चलना पड़ेगा प्रभु के साथ चलने के टाइम में और आप स्टेप्स उठाते हो और आपको ओवरकम करते हो और मार खाते हो फिर आ जाते हैं फिर आप सीखते हो सो छोटे में और बड़े में दोनों में सुनना जरूरी है किसमें बड़े में और आप पुराने नियम में पढ़ा एक स्टोरी है जहां प्रॉफिट ने अपने चेले को बोला जा ये काम करके आया बट जिस रास्ते से गया उस रास्ते से वापस नहीं आना उसने जाके काम तो कर लिया बट जो बात सुना नहीं शायद उस रास्ते से आया या बात किया शेर ने उसको खाया सुना आधा सुना पूरा सुना नहीं सुना परमेश्वर का कंप्लीट ओबीडियंस जरूरी है और परमेश्वर ने उसको हटाया सोल को हटाया सोल अभी भी राजा है बहुत बार क्रिश्चियंस को एक चीज़ आपको याद रखना मसा आपके जिंदगी से जाएंगे आपको कभी पता भी नहीं चलेगा उसके बाद भी चर्च आएंगे वर्शिप करेंगे तालिया बजाएंगे प्रचार करेंगे हर मिनिस्ट्री का काम कर रहे सेवा कर रहे चर्च आ रहे जा रहे बिजनेस कर रहे बच्चा पैदा कर रहे शादी हो रहे सब चलता रहेगा वो प्रूफ नहीं है परमेश्वर का मसा परमेश्वर का सिलेक्शन उसकी आत्मा आज भी साथ में मैंने बहुत मैंने चर्च की शुरुआत के दिनों से दे के आया मेरा अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रभु के रास्ते से कुछ बंदे हटते हैं उसी दिन उसी महीना उसी साल पता नहीं चलता कुछ सालों में एविडेंट हो जाता है और कुछ साल बहुत दूर जाता है फिर पता चल जाता है गलत रास्ता चला अपने एक्सप्रेस वे में गया होगा जहाँ टर्न नहीं होता पचास साठ किलोमीटर में टर्न होता है आप कभी दस किलोमीटर आगे चला गया पता चला भाई साहब रास्ता से गलती चला गया अब यूटर्न मिलेगा अगला 40 किलोमीटर आगे जाके मैंने भी ऐसे गलती किया दो ढाई घंटा चले जाते हैं पीछे नहीं ले सकता कैमरे लगे हुए पुलिस लगे हुए तो जब परमेश्वर के साथ चलने के टाइम में मसा के साथ उसकी ग्रेस में उसकी दया में चलना हमेशा और जब राजा सैमुअल को परमे प्रॉफिट सैम्यूल को परमेश्वर ने आके बोला कब तक तू मुंह लटकाए बैठेगा मैंने अगला बंदे को मसा करने के लिए चुन चुका है मेरा एक और बंदा है और इसकी घर घर पर जा परमेश्वर प्रॉफिट होने के नाते भी जैसैम्यूल को बताए नहीं किसको मैं मसा करने वाला हूँ परमेश्वर सीक्रेट में ऑपरेट करेगा बहुत बार बोला उसकी घर पे जा दावत में उनको इनवाइट कर और तू एक एक बंदा तेरे सामने आएंगे मैं बताऊंगा किसको मसा करना है और पर एक बंदा आया सामने एलियाब को लेके आया बाप बाप ने सबको इन्वाइट कर लिया तो कहाँ नौकरी करता था एलियाब जो पहला बेटा जस्सी का सेना में आर्मी में नौकरी करता है अपने तभी तो फॉलो कर पाएंगे इधर का टीचिंग आगे मर गया सड़ गया वो वाला प्रचार नहीं है जब आया एलियाब आया सामने तो परमेश्वर के सामने आया सॉरी सैम्यल के सामने आया परमेश्वर ने बोला ये नहीं है इसको मसा नहीं करना दा, दा, जब सैमुल ने देखा बाल अच्छा लंबा अटाक अटा दिख रहा है स्मार्ट है आर्मी में भी काम करने वाला बंदा बट परमेश्वर ने बोला मैंने इसको तिरस्कार किया हो गया मैंने इसको रिजेक्ट किया गया एक डरने वाली बात है उसी जगह में आई हैव रिजेक्टेड हिम ना उसका बाप को पता ना सैमुल को पता ना उसको पता भी नहीं है परमेश्वर ने उसको तिरस्कार किया गया परमेश्वर पक्षपाती है उसका चेहरा दे के तिरस्कार किया आपने इंटरव्यू करके किसी को नौकरी में लिया गया जॉब में अपॉइंट किया हो गया ना किसी को इंटरव्यू लेके क्यों तिरस्कार करते हो आप लोगों को इंटरव्यू लेते किसी को जॉब पर रखने के पहले उसको चेक करके देखते हैं उसका ज्ञान देखते हैं परमेश्वर जब परमेश्वर ने उसका टेस्ट ले रहा था पवित्रदाई का टेस्ट में फेल हो गया होगा हो सकता है ये लिया आपका शादी हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता हो सकता है कि घर वाली बाहर वाली चर्च वाली सेट किया होगा क्रिश्चियंस आजकल घर वाली ऑफिस वाली चर्च वाली भी है वो तो गंध लेके मत आइए चर्च में हर टीम में हर जगह आप खेल रहे हो परमेश्वर की पवित्र चीजों के साथ मार खाओगे अच्छी तरीके से लाइफ के साथ जिंदगी के साथ करियर के साथ खत्म हो जाएगा लाइफ जिंदगी परिवार सब कुछ मैंने बीच में कुछ दिन पहले आपको बताया था दसवीं का एग्जाम होने के पहले डेट अनाउंस होता ना दसवीं का एग्जाम होने वाला है बारहवीं के एग्जाम होने वाला है इंजीनियरिंग एग्जाम होने वाला है बट लाइफ में परमेश्वर आपको प्रमोट करने का जो टेस्ट होता है उसका डेट अनाउंस नहीं होगा आपको पता भी नहीं होगा आप टेस्ट में चल रहे होंगे बीच में आप अभी इसी टाइम जो आपकी जिंदगी में जो चल रहे हैं आपको नेक्स्ट लेवल ले जाने वाला टेस्ट होगा आपको पता ही नहीं है पवित्रताई का टेस्ट लॉयल्टी का टेस्ट विश्वास योग्यता कितना है फेथफुलनेस कितना है मेरा का उसकी गड़बड़िया उसकी उल्टी सीधी कहानियां सब मेरे सामने आ जाता है मैंने भी ऑब्जर्व किया मिनिस्ट्री में डे वन से हम किसी को कुछ ब्लेस करने के लिए सोचते हैं कुछ खरीद के देने के सोचते हैं प्रमोशन देने सोचते हैं एक्चुअल कहानियां निकल के बाहर आ जाते हैं वो घरे से परमेश्वर का टेस्ट में कहा फेल हो रहा है लॉयल्टी का टेस्ट विश्वास का टेस्ट परमेश्वर के साथ कलिशा के साथ जो बंदा विश्वास योग्य नहीं है परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल में नहीं ले जा सकता विश्वास योग्यता मैंने बीच में एक टीचिंग किया था आपको याद होगा एक आगुए में सबसे बड़ा क्वालिटी कौन सी होना चाहिए विश्वास योग्यता विश्वास योग्यता क्या है विश्वास योग्यता चर्च के साथ परमेश्वर के साथ प्रभु के मंदिर के साथ दिया गया आगुवे के साथ आड़े और खड़े रहना मूड के ऊपर चलना विश्वास योग्यता नहीं है अपने टाटा ग्रुप सोना होगा ना टाटा ग्रुप टाटा ग्रुप का रतन टाटा जब रिटायर रिटायर हो गया शपूर जी पलुंड जी श... टाटा ग्रुप में सबसे ज्यादा शेयर होल्डर है टाटा सन्स उसके बाद जो सेकंड शेयर होल्डर है शपूर जी पलू जी ग्रुप उसका बेटा मिस्ट्री उसको टाटा ने चुन लिया अगला इसको चेयरमैन बनाएंगे एक डेढ़ साल वो चेयरमैन बना रहा बट वो कभी भी टाटा ग्रुप के साथ वफादार नहीं था एक बार चेयरमैन बन गया वो सोच ले अपनी मनमर्जी चलाएंगे कुछ साल के बाद हटा दिया दूसरे को लेके आया अभी जो चेयरमैन बैठे एक बिजनेस ग्रुप भी सीईओ चेयरमैन अगुबे जो लॉयल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसको नहीं रखता हम उम्मीद रखते हैं हम परमेश्वर के साथ कलिशा के साथ उम्मीद लॉयल नहीं है तब भी हम आशीष पाएंगे नहीं पाएंगे टेस्ट में फेल नहीं होना पवित्रदाई के टेस्ट बोलो पड़ोसी को भाई साहब पवित्रदाई के टेस्ट में फेल नहीं होना आपको सामने लेके आया परमेश्वर बोलेंगे हटा हटा बोलेंगे या सैमुअल को बोलेंगे इसी को मसाकर एलिया को लेके आया स्टोरी मैंने आपको पढ़ाया एलिया को आया बोला मैंने इसको तिरस्कार किया इसको तिरस्कार किया तिरस्कार किया हो सकता है पवित्र राय के टेस्ट में फेल हो गया होगा हो सकता है विश्वास योग्यता का टेस्ट में फेल हो गया होगा हो सकता है सेवा की टेस्ट में फेल हो गया होगा मुझे नहीं पता कैसे फेल हो गया बट फेल तो हो गया और फिर आया दाऊद दाऊद जैसे आया परमेश्वर ने सैमुअल को बोला ये बंदा है जिसको मैंने चुना इसकी आउटवर्ड अपियरेंस मत देखो शायद उस सोलह का साथ है एक बार देख लीजिए हाँ सोलह का साथ पढ़िए परंतु यहोवा ने श्यामल से कहा न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है हमने लड़की को लड़का ढूंढने का टाइम में क्या देखता है सैलरी कितना कमाता है पैसा कितना है अपनी घर है गाड़ी है परिवार कैसे परमेश्वर ये नहीं देखता किसी को चुनने के पहले उसका लंब लंबा कितना है छोटा कितना है उसके हाथ में कितने पैसे मैं और आप देखते हैं बंदे के बाहर की फीचर्स उसकी बात करने का तरीका कपड़ा पहनने का तरीका एक लोगों से डील करने का तरीका बट परमेश्वर देखता है बंदा अंदर क्या है इसलिए अंदर के मनुष्य क्या है चतुर चलाई चलाकी चतुराई गेम ट्रिक्स तो नहीं है मुंह पे कुछ पीछे कुछ तो नहीं है पॉलिटिक्स तो नहीं है गेमर तो नहीं है ट्रिक्सटर तो नहीं है मन में कुछ मुंह में कुछ सोच में कुछ किसी का नहीं है लॉयल्टी है ही नहीं वफादारी है ही नहीं या सच में परमेश्वर जब सुनने का जो क्राइटेरिया आता है इसमें से एक और ब्लेसिंग भी है उसका मतलब मैं और आप जो परमेश्वर के साथ करीब रिश्ता बनाता है हमें परमेश्वर अपनी नेक्स्ट लेवल काम के लिए चुन सकता है वो आपकी बाहर के अपवर्ड अपियरेंस नहीं देखता आप आप मत बोलना मैं पीछे जाति से हूं ये शु में वे कोई जाति नहीं है चर्च में प्रभु में जाति दो है आदमी औरत बस यही जाति है मेल फीमेल इट और कोई नहीं है आप पढ़ाई है नहीं है पैसा है नहीं है परमेश्वर कैसे भी आपको उठा सकता है क्योंकि उसका सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है उसका सिलेक्शन वो जब बायोडाटा देखता है वो अलग तरीके से देखता है बायोडाटा इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आप इसी टाइम टेस्ट में होंगे एक लड़का लड़की परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहता है बट हम सोचते हैं चर्च में आते हैं उस डिपार्टमेंट वाले में उसने चार गर्लफ्रेंड बना रखे उसने कॉलेज में बना रखा चर्च के डिपार्टमेंट में बना रखे हम भी बनाते वो फेल हो गया होगा वो शाह की सेना में फेल हो गया होगा परमेश्वर नेक्स्ट राजा बनाना था नेक्स्ट बिजनेस मैग्नेट बनाना था नेक्स्ट आई ऑफिसर बनाना था नेक्स्ट शहर का पॉलिटिशियन बनाना था फेल हो गया उस ब्लेसिंग्स में फिर हम बैठ कर रो सकते हैं वो आने जी बस प्रभु चाहते हैं सीरियस तो नहीं हो आज हेलो पड़ोसी को बोलो हेलो समझ आ रहे हो परीक्षा में फेल है? ये आपके हाथों में डिसिप्लिनरी टेस्ट लॉयल्टी टेस्ट पवित्रता का टेस्ट आपकी हाथों में आप आराम से पास हो सकते हैं अपने आप को परमेश्वर का वर्ड पे वचन पे आडे ओवर खड़े आगे बढ़िए और कभी मत सोचना कभी मत सोचना आप ड्रेस अच्छा पहनिए बात अच्छा करिए सब अच्छी तरीके से रख सकते हैं बट खुदा आपको चुनेंगे आपके अंदर की आपकी गुड क्वालिटी देके परमेश्वर के साथ का रिलेशनशिप देके कितना आप शुद्ध है पवित्र है कितना परमेश्वर का वचन के अकॉर्डिंगली चलने वाला उसी के अकॉर्डिंगली मेरे और आपका क्राइटेरिया सिलेक्शन होंगे और ना, हर लेवल में लेके जाने के पहले परमेश्वर आपको परखेगा और आप फेल ना हो ये मेरी प्रार्थना है और परमेश्वर ने बोला दाऊद को मसाक किया दाऊद को दिल देखा दाऊद एक नम्र व्यक्ति था नम्र नम्र व्यक्ति पता कैसे चलेगा अपने बाप का बेड बकरिया चराता था और बात करने का तरीका दाऊद का पूरी लाइफ राजा होने के बाद भी करोगे। कोई बंदा को मार के आया दाऊद एक दाऊद के पास न्यूज लेके आया मैंने तो तेरा शत्रु को मरवाया जी दाऊद ने एक क्वेश्चन पूछा तू अन बंदे को टच कैसे किया और न्यूज लेके आया उसको भी मार दिया दाऊद का हार्ट अलग लेवल का हार्ट है सो so, आप मेरा प्रार्थना जब ये प्रीचिंग ये टीचिंग इस सेशन से आप आगे निकलने के टाइम में दाऊद के समान दाऊद राजा के समान चरवाहा दाऊद से राजा दाऊद पहुंचने में परमेश्वर ने उसका हार्ट को ऑब्जर्व किया बहुत सारे आशीष अनुग्रह में लेके चला गया मैं और आप क्या सीख सकते हैं इसमें से अपनी अंदरूनी कैरेक्टर डेवलप करो आप बाथरूम में क्या करते हैं बेडरूम में क्या करते हैं जब कोई आपको देखता नहीं है कोई नहीं देखता केवल परमेश्वर ही देखता है फ़ोन आपके हाथों में अकेला होने के टाइम में क्या करता है कोई नहीं देखता परमेश्वर देखता है अपने ऐप में आप लोक लगा सकते हैं स्नैपचैट इस्तेमाल कर सकते हैं सामने वाले ने देखने के बाद ऑटो डिलीट ऑप्शन लगा सकते हैं बट फ़ोन से डिलीट होगा परमेश्वर के सर्वर से वो चैट डिलीट नहीं होगा चर, सर्च हिस्ट्री हम डिलीट कर सकते हैं सर्च हिस्ट्री डिलीट करना आता है ना सर्च हिस्ट्री हम डिलीट कर सकते हैं बट परमेश्वर के सामने अपनी पवित्रताई का देने का देने पवित्रता सेवा करने का टेस्ट हो फेल नहीं होना अंदर की देखते हैं, अंदर की की कैरेक्टर देखते हैं कैरेक्टर हाथ रखो दिल पे क्या चलता है इधर किसी को नहीं पता पति को नहीं पता पत्नी को नहीं पता, पता माँ को नहीं पता बाप को नहीं पता पड़ोसी को नहीं पता बट जो आपकी दिल पे चल रहा है आप क्या बना रहे हो योजना क्या प्लानिंग कर रहे क्या सोच रहे गॉड नोज इट और उसी के बेस पे आपका टेस्ट होगा परीक्षा होगा आपकी चुनौती भी होगा उसी के बेस पे तो सौ रुपए वाली लिपस्टिक लगा रहे हैं मैं एक हजार वाला लिपस्टिक लगा रहा हूं उससे चुनौती नहीं होने वाला दिखने में अच्छे लगेंगे हजार रुपए वाली सूट दस हजार वाली सूट दिखने में अच्छे लगेंगे बट परमेश्वर चुनने का क्राइटेरिया इनर कैरेक्टर है आपके अंदर क्या चल रहा है खुदा के साथ कितना रिलेशनशिप है इसलिए बार बार परमेश्वर को बोलना मुझे धोखे शुद्ध कर तेरे समान में बनना चाहता हूं आज मैंने आपको लॉर्ड्स प्रेयर पढ़ाया उसमें एक लाइन है जैसे मैं परमेश्वर तुम मुझसे क्षमा करना जैसे मैं अपनी पड़ोसी को भी क्षमा करता हूं उसके अपराध जो उसने मेरे विरुद्ध किया मैंने उसको माफी कर दिया छोड़ दिया तू मेरे ऊपर भी दया कर तू मेरे ऊपर भी क्षमा कर मेरे अपराधों को भी माफ कर आपकी इनर कैरेक्टर और परमेश्वर का चॉइस सरप्राइज होता है हमेशा एक सीक्रेट बताता हूं बहुत बार कुछ बंदों को हम पसंद नहीं करता ना चर्च में कुछ बंदे को हम पसंद नहीं करता ऑफिस में कुछ बंदे को हम पसंद नहीं करता रिश्तेदारों में कुछ बंदे को हम पसंद नहीं करता प्रभु उन्हीं को ब्लस करता है कभी <laughs> देखा नहीं आपने जिसको आप हेट करते उसको प्रमोशन मिलता है जिसको आप चाहते हैं इस कॉलेज में स्कूल उसी को ही ब्लेसिंग मिलता है आपको लगता है ये क्या हो रहा है परमेश्वर मेरे साथ तू क्या अन्याय कर रहे और उसका है। आप नहीं जानते परमेश्वर क्यों किसी को चुन रहे क्यों किसी को आशीष दे, दे रहे मुझे और आपको पता है नहीं उसका रीजन अपने दिल को जानिए इसी टाइम माफ करने वाले को माफ करो वे विचार की पापों से माफी मांगो गलतियों से माफ़ी मांगो लॉयल्टी वफादारी के साथ रहेंगे परमेश्वर को बोलो परमेश्वर वफादारी के साथ मैं रहूंगा तेरी आशीष में तेरी अनुग्रह में आगे बढ़ूंगा अपने दिल को जानजो और परमेश्वर का चॉइस में ट्रस्ट करो और लोगों को खुदा देखता है उसी नजर से देखने के लिए कोशिश करो परमेश्वर लंबाई चौड़ाई नहीं देखता परमेश्वर कितना स्मार्ट है कितना आप अंग्रेजी बोल सकते हैं कितना तरीके से हिंदी बोल सकते हैं आपका आप एक्सेंट क्या है आप कौन सी कॉलेज से पढ़े स्कूल से पढ़े अच्छी बातें सारी चीज़ बट परमेश्वर का चॉइस उसकी जजमेंट तरीका खुदा नजर से देखते उसी नजर से देखना शुरू करो परमेश्वर लोगों को टू मच जज मत करो मेरा फादर लो एक बात बोलता है हरीश जितना ज़्यादा एक बंदे को तो जज करेगा उतना कम तो उससे प्यार करेगा विच इज़ एब्सोल्यूटली ट्रू अगर मैंने जज करना शुरू कर दिया किसी को हाँ ये कपड़ा ऐसे पहनता है इसने कपड़ा तो मुझे दिखाने के लिए पहन के आता है मैं किसी के बारे में सोचूंगा उसको जज कर रहे बैठे 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 उतना कम मैं उससे प्यार कर पाऊंगा सो जज मत करो कैसे भी हो सो यू कैन लव द मोर एंड मोर एंड मोर आप उसे और 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 अधिक प्यार कर सकते हो फॉलो कर पा रहे हो ना जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ दाऊद राजा जैसे दाऊद समान आशीष चाहते हो बहुत सोना भी है दाऊद के पास आँग फट जाएगा आपको सुनते ही डोनेशन जो देता था बिलियंस डॉलर्स में ऑफरिंग देते थे वो बंदा अभी तो चरवा है हम तो अभी पढ़ रहे चरवाहा मसा भी नहीं हुआ अभी मज़ा हो गया अभी पढ़ लिया मजा होगा तब तक बट उसकी जो जर्नी है उसकी जो लाइफ है परमेश्वर ने उसको एक नेक्स्ट लेवल में लेके गया उसकी क्वालिटी लाइफ में देखिए और दाऊद दाऊद सोलह का ग्यारह पढ़िए एक बार सोलह का ग्यारह तब श्यामुल ने यशे से कहा क्या सब लड़के आ गए वो बोला नहीं छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है श्यामल ने से कहा जसी, जसी के सारे बच्चे आया एक एक, 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 एक आया सबको परमेश्वर रिजेक्ट करता गया प्रॉफिट सैमुल को रहा लगा हो सकता है परमेश्वर ने मुझे गलत बोला गया इसके घर पे जाने के लिए जैसम जाने के पहले पूछा भाई साहब तेरा और बच्चा तो नहीं है कोई नाना जी एक और बच्चा है उसको वो तो बस खेती बाड़ी कर रहा है उसका मतलब आपके घर पे इंपॉर्टेंट भविष्यवक्ता आ रहा है आपके पास आ रहे हैं प्रार्थना होनी है या इंपॉर्टेंट एक मेहमान आ रहे हैं आपके घर पे आप सारे बच्चों को नहीं बुलाओ क्या बुलाएंगे ना आप सारे बच्चों को yes. बट दाऊद जैसी दाऊद का पापा जैसी ने बुलाया नहीं उसका मतलब जैसी भी बेट उस छोटे को कुछ समझता नहीं था घर पे यार कोई काम नहीं है बस तू ये काम कर ले बेड़ बकरी चराए उसको बुलाए भी नहीं है घर पे दावत हो रहा है घर पे इंपॉर्टेंट काम हो रहा है भाई साहब मैं आपसे कहना चाहता हूं आपको दुनिया रिजेक्ट कर सकते हैं लोग रिजेक्ट कर सकते हैं आपकी प्रिय रिजेक्ट कर सकते हैं बट परमेश्वर का टाइम आएगा वो किसी ना किसी के मुंह से बोलेगा तेरा ये वो बेटा कहाँ है उसको भी बुला के वो बेटी कहा है उसको भी मैं मसा करना चाहता हूं आपकी टाइम आने पर आपको कोई याद करे ना करे परमेश्वर याद करेंगे इन इन ट्रस्ट गॉड्स टाइमिंग आपको पार्टी में नहीं बुला रहा रिश्तेदार नहीं बुला रहा चाचा नहीं बुला रहा कोई जगह नहीं दे रहा ट्रस्ट इन गॉड्स टाइमिंग एक टाइम जो उसने निर्धारित किया गया उसी टाइम आपका मसा होना द वे दाऊद दाऊद चरवाहे का, का काम करने का टाइम वो करता क्या था चरवाहे के साथ साथ करता क्या था बेड बकरी के साथ खड़ा रहे 24 घंटे उसके साथ बैठ के उसको खिलाना तो नहीं है ना दाऊद क्या करता था दाऊद करता था, था अच्छा इसका तो बहुत बढ़िया आया इतनी छोटी कपड़े कहां से पहना इसने फिर कमेंट डाल दिया देखो दाऊद बैठ के अंगूठा काम चला रहा था और सुना जहां चर, जहां चराने के लिए लेके गया उसकी पड़ोसी में एक लड़की है, उसके साथ रिश्ता बना रहा था वो बैठ रहा था अपना गिटार लेके जाता था बैठता था आराधना करता था भजन लिखता था परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बना था प्रभु दाऊद वेला था दाऊद बंदा दाऊद वेला था दाऊद क्या कर रहा था क्या कर रहा था दाऊद चरवा काम कर रहा था परमेश्वर हम हमेशा बिसी बंदे को बुलाता है अपनी काम के लिए वेले को कोई जरूरत नहीं है परमेश्वर के राज्य में पहले ही वेला है उसको वेला नहीं चाहिए हमेशा बिस्सी बंदे को परमेश्वर उठाता अपने काम के लिए एलाइशा कर, क्या कर रहा था जब एलाइजा आया उसको मसा दिया एलाइशा क्या कर रहा था है? काम मैट्यू क्या कर रहा था मसीह ने बुलाया मैट्यू आजा मेरे साथ चेला बन गया क्या कर रहा था टैक्स कलर कर रहा था चुंगी कलर कर रहा था पीटर क्या कर रहा था मछुआरे का काम कर रहा था परमेश्वर हमेशा इसी बंदे को बुलाता है मैं अपनी बिजनेस करते हैं, आराम से चल रहे थे उस टाइम परमेश्वर चलिए काम भी कर वो वेले को नहीं बुलाते खाली बैठे हो आप घर पर गुड न्यूज है आप जिंदगी भर खाली बैठोगे प्रभु को नहीं चाहिए आप बिस्तर पे खुश है खुशी रही है उसी जगह में अब गर्मी है पासी बहुत गर्मी है मई जून में क्या होंगे फिर गर्मी अगस्त सितंबर में क्या होंगे बारिश नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में क्या होंगे ठंड कब होगे काम नवंबर में सॉरी शादियों का टाइम है जी शादियों काम हो ही नहीं सकता देर इज नो गुड टाइम जगह लिखा गया चोर जो काम करना नहीं चाहता जो उल्टा सीधा बोलना चाहता है वो बोलेंगे घर से बाहर नहीं निकल सकता मैंने तो कल एक शेर देखा शेर तो तूने इधर नहीं देखा अरावली में देखा हमारी गली के बाहर शेर देगा वो निकलेगा नहीं कभी चाचा का शादी कभी मामा का शादी कभी फूफा जी का तेरवी परमेश्वर हमेशा बिस्सी बंदे को बुलाते है अपने काम के लिए मेरे फादर लो ने एक काम जब मैं मैनेजर बन के एक काम सिखाया तेरे को कोई काम करवाना है सबसे ज्यादा टीम में बिस्सी उसी बंदे को पकड़ा के दूसरा काम दो वो करवाएगा मैं आज भी वही करता हूँ चर्च में डिपा कहीं भी मेरे को किसी से भी कोई काम चाहिए मैं बिसी बंदा ढूंढता हूँ क्योंकि मुझे पता वो करेगा काम जो काम करता नहीं है वो आ, कल भी नहीं करेगा परसों भी नहीं करेगा उसने ढूंढ रहे है उसने ऑप्शन उसने एक्सक्यूसिव ढूंढ रहा है दाऊद क्या कर रहा था इंस्टाग्राम चला रहा था जी शॉर्ट्स बना रहे थे रील्स बना रहे थे दाऊद क्या कर रहा था बुझे से दाऊद क्या कर रहा था स्टोरी लाइक कर रहा था जी आप आपको लग रहे हैं इसी टाइम आप किचन में काम कर रहे हैं इसी टाइम चर्च में मीडिया में काम कर रहे हैं इसी टाइम परमेश्वर ने आपको ऑफिस में रखा गया बिजनेस में रखा गया आप जस्ट उसी के साथ परमेश्वर के साथ मिलकर काम करते रहो एक दिन आपका बुलावा आएगा जो नेक्स्ट लेवल आपको पांच मिनट में आपकी लाइफ चेंज होगा यीशु के सामना वो दिन किसी का पंद्रह साल की उम्र में आता है किसी का तीस में आता है किसी का आ चुका है नेक्स्ट लेवल में आप जाने के लिए इसी टाइम वर्क ऑन करो अपनी लाइफ पे हर मोमेंट प्रेशियस है हर से एक चीज है जो आपके हाथों से जाने के बाद मिलेगा नहीं दोबारा क्या है वो टाइम कल के टाइम आज लेके आ सकता है आज सुबह दस बजे दस बजे गया हमारे हाथों से एक बजने वाला है वापस लेके आ सकते हैं मैं और आप जा चुका है वो वेस्ट कितने किया बैठ के सोचिए आज बैठ के प्रार्थना में पवित्रता में परमेश्वर के साथ रिश्ता मनाने में आने कोशिश करिए उसको वेले नहीं चाहिए बोलो पड़ोसी को प्रभु को वेले नहीं चाहिए वेले को उधार फ्री में देगा वो उधार फ्री में देगा बट उसकी काम के लिए वेले नहीं चाहिए बोलिए पड़ोसी से वेले बोलेंगे तो वेले को दिल पे भी लगेगा अच्छी बात मैं चाहता हूं मैं आप फेलियर नहीं चाहता चर्च में। चर्च में में डिसीजन ले रखा है मुझे चर्च फेलियरों का झुंड नहीं है सक्सेसफुल बंदों का झुंड बनाना है चर्च ये चर्च या छह महीने बैठेगा भगेगा या बैठेगा सक्सेसफुल होगा आशीष में जाएंगे दो तो दो में से तो एक को तो होगा <laughs> क्योंकि आप दूसरों के लिए आशीष अनुग्रह दया ब्लेसिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे सामर्थ्य नाम से तो इसी टाइम जब आपका टेस्ट चल रहा होगा पता भी नहीं होगा दुनिया आपको याद कर रहे नहीं कर रहे बट गॉड इज सींग गॉड इज ऑब्जर्विंग तू कर क्या रहे तो बात क्या कर रहा है वही कॉलेज में किया वो चर्च में कर रहे है वही ऑफिस में किया वो घर पे कर रहे है उल्टा सीधा काम षडियंत्र गेम ट्रिक्स चला किया आप अपने हाथों से आशीष अनुग्रह चले जाएंगे पता भी नहीं होगा दसवीं में रिजल्ट अनाउंस होता ना ये लड़का पास हो गया इसको ए प्लस बी प्लस किसी को सी प्लस किसी को रीअपियरेंस अनाउंस नहीं होता लाइफ में जो परमेश्वर टेस्ट लेके आता है पता भी नहीं चले होगा फेल हो गया होगा कोई सक्सेसफुल हो गया होगा कोई जीत लिया होगा कोई नेक्स्ट लेवल में आगे चल गया होगा और दाऊदूसरी टाइम काम क्या कर रहा था पापा का बेड छोटा सा काम करने में वो विश्वास योग्य था आप छोटा सा काम चुनिए चर्च में आते हो बीच में किसी का फोन आया पाशी के पास चर्च में आते थे एक साल हमारा वॉल्टियर मीट अनाउंस बोलते हैं मैं भी वॉलेंटियर मीटिंग में आना चाहता हूँ पासी वॉल्टियर वोलेंटेर मीट वॉलेंटियर्स के लिए वॉलेंटियर मीट किसके लिए वॉल्टियर्स के लिए वो जो परमेश्वर का काम करिए उसके राज्य के लिए कुछ तो करिए चर्च में आ, आज आप चर्च में आए क्या किया आप? आज जाते हुए क्या करेंगे आज कुर्सी उठाइए साफ करिए जाइए आज तो पता नहीं रोबज़ा में नमक कम था जी छाज़ में आज मीठा ज्यादा था उसके अलावा भी कुछ करिए कुछ करिए और, और क्या चल है और क्या चल रहा है सब बढ़िया चल रहे जी कुछ करिए आज सेवा करिए एक परमेश्वर का बहुत बड़ा दास है अंकल पी जी वर्गीज उनका एक बुक में उन्होंने लिखा उनको एक बहुत बड़ा बाइबल कॉलेज में डीन ने इनवाइट किया बोलते हमारा जो बाइबल कॉलेज से जो ग्रेजुएट्स तीन साल के बाद जाके पादरिया बनने वाला है उनको पासिंग आउट जब वो निकल रहे ग्रेजुएशन में आप एड्रेस करना उन्होंने एक बात बोला मुझे पता है तुम सुनने वाला नहीं है बट एक एडवाइस देता हूं कोई भी एक अच्छा अभिषिक्त परमेश्वर का दास को चुनो छ पांच छह साल उसके साथ सैलरी मिले ना मिले क्या है नहीं है उसके साथ साल छत लग के सेवा करो फिर पता होगा मिनिस्ट्री क्या है गले बोला तुम्हें कुछ करोगे सब तो बाइबल कॉलेज से बच्चे पढ़ के निकलते क्या चाहना चाहते हैं अगले दिन से वो सीनियर पास्टर बनना चाहते हैं बिशप रेवरेंड बोलते सेवा करो किसी न किसी का किसका सेवा कर रहे हो आप इसी टाइम चर्च में सेवा कर रहे हो आप मैं चाहता हूं आप सब बंदा इजी आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो फाइनेंशियल बरकतों में जाना चाहते हो शॉर्टकट है सेवा और जिस डिपार्टमेंट में बाई द वे आप सेवा कर रहे हैं उधर हेडेक भी मत पैदा करिए प्लीज कुछ कुछ व्यक्तियों को आप कोई भी डिपार्टमेंट डालते हैं उधर चार बंदे को खराब नहीं करे तो हमें वो खुशी नहीं होता है ना मजा नहीं आ रहा है ना घर पे जिस घर पे मेरा शादी होकर गया तो मैंने नंद को भगा दिया छोटे बहन को भगा दिया घर तो मैंने तोड़ दिया अभी इस डिपार्टमेंट पास ने दे रखा है इसको भी मैं तोड़ फूड़ करता हूँ आज उसी मजे से मत आइए क्योंकि मैं बहुत प्रेयर करके रखता हूँ इस चर्च का तार तार के लिए प्रेयर करता हूँ बैठ के तार प्रोटेक्टेड हो ये प्रोटेक्टेड हो प्रोटेक्टेड सोच रहे डिपार्टमेंट्स तो प्रोटेक्टेड होंगे मैं एक बाइबल वर्स क्लेम करता हूँ जो मुझे आशीष दे वो आशीष पाए जो मुझे चर्च को जो खोज से श्राप करे वो श्रापित रहे बाइबल वर्स प्रे करता हूँ बस दाऊद के समान नेक्स्ट लेवल में आप जाने के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे और आप सेवा में भी आगे बढ़ी तेरा पढ़ेंगे उस वर्स। पढ़ना चाहते ना समझना चाहते हैं ना yes. गर्मी मत बोलना बारिश आएंगे ठंड आएंगे प्रार्थना करो परमेश्वर ने पैसा दी इधर तक आ गया हो सकता है हम लोग ज्यादा प्रे कर इधर से शुरू हो गए आप भी प्रे करो उधर तक पहुंचे होगा होगा सोलह का तेरह तब शैमुल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा तब शैमुल उठकर रामा को चला गया प्रॉफिट शैमुल ने उसका ना, उसका नाम के पहले हरीश का नाम था फेसबुक में उसके पहले लिख दिया प्रॉफिट अपोस्टल बिशप रेवरेंड नाम चेंज किया या उसको मसा किया ऑयल के साथ या उसको एक लाख रुपए ऑफरिंग दे दिया उसको सोना दे दिया उसको नया कपड़ा पहना लिखा कहीं बाइबल में सबसे इंपॉर्टेंट काम ऑयल लगा के मसा किया बाइबल में पुराने नियम में मसा नेक्स्ट लेवल अनोइंटिंग ऑयल रिप्रेजेंट करता है अब नेक्स्ट लेवल में ऑयल मींस नेक्स्ट लेवल मसा इसलिए हम ऑयल लगा के मसा करता है नया नियम नियम हर जगह ऑयल ऑयल नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल लेवल परमेश पवित्र आत्मा उतरा भारी सामत के साथ उतरा आप कुछ भी काम करने के लिए पहले परमेश्वर से अभिषेक मांगिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा मांगिए राजा बनना चाहते हो बिलियनियर बनना चाहते हो मिलियनियर बनना चाहते हो बड़े काम करना चाहते हो बोलना परमेश्वर मुझे अभिषेक करा जैसे तूने दाऊद को मसा किया मुझे मेरी ऊपर तेरी स्पिरिट को तेरी होली स्पिरिट को परमेश्वर नेक्स्ट लेवल में मैं भी जाना चाहता हूं विदाउट विदॉइटिंग यू कैनॉट गो फर्दर बहुत जा नहीं सकता आप क्रैश हो जाएगा आपको अनॉइंटिंग मांगना है परमेश्वर मुझे मसा कर परमेश्वर मुझे मसा कर मांगो परमेश्वर मुझे मसा कर बोलो प्रे करो खुदा मुझे मसा कर नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए प्रे करो दो मिनट मगो होली स्पिरिट है मी पवित्र आत्मा मुझे मसाकर चर्च मांगिए मंगे होली स्पिरिट मुझे मसा करा होली स्पिरिट मुझे मसा करा पवित्र आत्मा मुझे मसा करा उसी का 18 23 16 का 18 23 उसी 16 का 18 से लेकर 23 तक दो तीन बार और हम सीखेंगे तब एक जवान ने उत्तर देकर कहा सुन मैंने बेथलहम वासी यिशय के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है और यहोवा उसके साथ रहता है तब शाऊल ने दूतों के हाथ यशे के पास कहला भेजा अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे तब यशे ने रोटी से लदा हुआ एक गधा और कु भर दाक मधु और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ में शाऊल के पास भेज दिया और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया तब शाऊल ने यशे के पास कहला भेजा दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दो क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था तब तक दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था जब दाऊद को वशिब करने का एक गिफ्ट गिटार बजाने का एक गिफ्ट परमेश्वर ने उस गिफ्ट दे चुका था दाऊद को और जब जिस शाउल की राज्य में उसका भर्ती हो गया जब जब शाउल के ऊपर अभी दुष्ट आत्मा चढ़ना शुरू हो गया बाय द वे परमेश्वर का आत्मा चले जाते हैं आपके ऊपर से परमेश्वर का अभिषेक चले जाता है शैतानी आत्मा ऑटोमेटिकली एंटर होता है उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं और उसको राहत मिलने के लिए उसको छुटकारा मिलने के लिए वो वशिप कराता था दाऊद से बिठा के और दाऊद वो काम करता रहा उसका मतलब दाऊद अपना जो गिफ्ट है परमेश्वर का राज्य के लिए कॉलिंग के लिए जहां उसको बजाया गया परमेश्वर रखा गया इस्तेमाल करना शुरू हो गया आपका गिफ्ट क्या है इस धरती में आप मनुष्य के रूप में आया गया आप सब में परमेश्वर ने एक वरदान दे चुका है आपको किसके रूप में परमेश्वर ने बनाया गया एज पर बाइबल बंदर के रूप चिम्बैंसी के रूप चिम्बैंसी के रूपे बंदर के रूप आपको किसके रूप में बनाया गया परमेश्वर वो करता, उसकी स्पिरिट आप में और मुझ में वास करता है उसके मतलब मुझे और आप में सब पे एक गिफ्ट है उसको आप इस्तेमाल करो परमेश्वर के राज्य के लिए स्पेसिफिकली अगर आप म्यूजिक मिनिस्ट्री में म्यूजिक मिनिस्ट्री में वश्यप मिनिस्ट्री में आपको परमेश्वर ने बुलाया कि आप गाते आराधना करते प्रचार करते एक चीज में आपको वार्निंग देना चाहता हूं फेम मत ढूंढना जल्दी ऑटोमेटिकली फेम मिल जाएगा बैंड बनाने में जल्दी मत जाना क्रैश हो जाएगा सर्व करो कुछ साल चर्च के कॉयर में सर्व करने के लिए बुलाया गया होगा कॉयर में सर्व करो मैं वो बनना चाहता हूँ खाना बनाता तो हूं उनको क्या बोलता है जो प्रोफेशनल शेफ।, शेफ बनना चाहता हूँ शेफ की होटल मैनेजमेंट कर रहे चर्च के किचन टीम में कब सर्व किया आपने चर्च आपकी घर परमेश्वर का घर इधर तो अपनी क्वालिटी इस्तेमाल मैं बस पहले जाके मैं सेलिब्रिटी शेफ बनना चाहता हूं चर्च में तो हमें खिचड़ी तो खिलाई दिन मैं नेम चाहता हूं फेम चाहता हूं सर्व करो परमेश्वर को इयर्स स्पेसिफिकली आपका म्यूजिक मिनिस्ट्री है वर्शिप है प्रीचिंग है टीचिंग है गिफ्ट दिया गया परमेश्वर मैं आपको वार्न करना चाहता हूं जल्दी मरना मत खत्म नहीं होना खराब नहीं होना क्योंकि जल्दी आप फेन चाहते हैं नहीं चाहता है बैंड चाहता है सीनियर पास्टर बनना चाहता है अपोस्टल बनना चाहता है मैं आपका वॉर्न कर रहा हूं सर्व करिए प्रभु की प्रशंसा आपका बाइबल में एक एक स्टेटमेंट मुझे बहुत पसंद आता है प्रमोशन डज इन कम फ्रॉम ईस्ट और वेस्ट प्रमोशन कम्स फ्रॉम द लॉर्ड मेरा फेवरेट वर्ड्स है तुझे बढ़ाना ना उत्तर से ना पश्चिम से आता है बढ़ाना परमेश्वर की ओर से है इसमें आप दिल लगाओ इस वर्ड्स पे आपको ऑफिस में कौन बढ़ा सकता है मेरा गाना कोई नहीं सुन रहा जी तेरा व्यू मेरा प्रचार कोई नहीं सुन रहा जी वेट करो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और जल्दी आप करने कोश मैं एक पास्टर जानता हूं अगला पांच साल के बाद वो बंदा बहुत साल सर्व की एक चर्च में अगला चार पाँच साल के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन का सीनियर पास्टर बनना था उस ऑर्गेनाइजेशन का एसेट सौ करोड़ का है चर्च में पंद्रह बीस चर्चे से बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है यह बंदा टाइम पेशेंस चला गया और निकल गया अब रिजाइन करके भग गया पांच साल और वेट करता हो सकता दो साल और वेट करता अब जाके दो तीन लोगों के अब अब परेशान हो गया जल्दी नेम फेम कमाने मत जाइए वेट फॉर द लॉर्ड वेट फॉर द लॉर्ड वेट फॉर द लॉर्ड परमेश्वर सही टाइम पे उचित समय पे आपको बढ़ाएगा आप किसी भी लेवल पे काम करते हो कॉलेज में स्कूल में गली में बिजनेस मैन हो मैं शॉप बड़ा ना करना चाहता हूं हमारी 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 काम बढ़ जाए फेम नहीं आप काम करते रहिए परमेश्वर के वर्ड पे चलते रहिए सडनली आपको प्रमोशन देगा परमेश्वर आप सोच भी नहीं सकता मैं कुछ दिन पे, मैं तीन साल से एक बंदे मैं शायद शेयर किया आपसे दो तीन साल से एक बंदे से मिलने के लिए मैंने कोशिश किया साम धाम धंड शब्द लगाया हुआ नहीं कुछ हफ्ते पहले मैं प्रेयर में बैठा हुआ था प्रार्थना कर रहा था मैं मोबाइल जाके चेक किया मैं मोबाइल दूसरे रूम में रख के जाता हूँ प्रेर करने के लिए कुछ काम हुआ फाइव मिनट्स में, में मेरा उस बंदे के साथ मीटिंग सेट हुआ मैं इयर से करना चाहता था हो नहीं रहा था प्रभु सेकेंडों में बात पलट सकता है सेकेंडों में कितनी में सेकेंडों में पलट सकता है जो आप सोच ही नहीं सकता आप सोचेंगे ऐसे कैसे होगा वैसे कैसे होगा उसकी वर्ड पे उसकी शिक्षा में उसके अकॉर्डिंगली चलते रहो रात और रात रात भी तो ज्यादा होता है परमेश्वर के लिए सेकेंडों में बात पलटेगा सेकेंडों में सो so, दाऊद के समान उसका गिफ्ट वो कहा इस्तेमाल किया जहां उसको लगाया गया आपका गिफ्ट आपके घर आपकी इस चर्च में इस्तेमाल हो रहा है सफाई करने के लिए कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है आप बैठे हुए कुर्सी के पीछे देखना गंद दिख रहा है देखिए पीछे कुर्सी के देख रही है पीछे आपके सामने जो कुर्सी पीछे देखने की जरूरत नहीं आपके सामने जो कुर्सी है देखिए गंदा है गंदा है साफ नहीं लग रहा साफ करिए वो आपकी कॉलेज शुरू करिए उधर से उसी जगह से उसके लिए कोई गिफ्ट कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है आपको कमी पेशी नजर आ रहे उसी जगह करिए सजेशन देने के अलावा बाय द वे परमेश्वर आपको कलिशिया लेके आता है मेंटर uh, से सीखना कलशिया से सीखना जो हमें पता है मैंने ये सीखा बहुत हार्ड लेसन मेरा काम मेरे मेंटर को सिखाना नहीं जो मुझे उनसे सीखना वो सीखना मेरा काम है बट हम क्या बनने जाते हैं गुरु का भी उस्ताद बनने जाता है कभी है ना हम जब गुरु का उस्ताद बनने जाते हैं ना कुछ लोग में हम टीचर को भी सिखाने शुरू कर देते हैं सजेशन देते अब बपतिस्मा लिया ही नहीं पाष्ट्रदी के पास सजेशन आता चर्च ऐसे चलाओ ऐसे सजेशन दो वो कर दो हम पूछते बपतिस्मा तो लिया तो नहीं पहले ले तो लिया बपतिस्मा नहीं वो तो नहीं लिया जी फिर तो गुरु को सिखाने मत जाओ पहले उस्ताद का भी उस्ताद बनने तो जहां परमेश्वर आपको लगाए गया सर्व और अपनी गिफ्ट को इस्तेमाल करो नाम के पीछे मत जाना आपका हो सकता है होल लाइफ मिनिस्ट्री होगा किचन में बर्तन मांझना हो सकता है और आप परमेश्वर के सामने पहुंचेंगे आप पूरी जिंदगी क्या किया जी बर्तन मान जाए जी जीसस किचन का कलिशिया का आपको हो सकता है प्रचार किया गया दस लोग आ रहे हैं बट परमेश्वर बोलेंगे आपको देखे गुड एंड फेथफुल तेरा काम यह था तूने विश्वास योग्यता के साथ इसको काम किया आपकी कॉलिंग था आपने बुलाया सबकी कॉलिंग सबकी बुलाहट अलग है सबकी कॉलिंग सबकी बुलाहट है प्रेरणा डॉक्टर आप डॉक्टर ही पढ़ रहे हैं ना हम मैं डॉक्टर के पास दवाई भेजता था हम सोचते डॉक्टर का तो मजे से जिंदगी है जी मैं बैठ के हिसाब लगाता था तो डॉक्टर साहब आज कितनी पेशेंट देखता है हम पूछते हैं असिस्टेंट के पास डॉक्टर साहब ने कितनी पेशेंट देखा बोलता है सो हो गया बोलता अरे एक हजार इंटू सो कितना हो गया है एक लाख टेस्ट भी लिख गया कुछ कमाया होगा किराए पे दवाई की दुकान में शाम को भी देखते दो लाख रुपया गुना तीस कितना हो गया साठ लाख रुपया छह लाख रुपये साल में इतनी कितनी कमाते होंगे ये और हमें नहीं पता डॉक्टर साहब रात में कितनी घंटे बैठ के पढ़े हम दो गोली डंडा खेलने जा रहे थे डॉक्टर साहब तो बैठ के पढ़ ही रहा था हम तो फूफा जी की शादी में शादी कर रहा था फूफा जी अपनी अब लुगाई लेके आ रहे थे हम तो नाच रहा था वो कोई और डॉक्टर नहीं बैठ कर पढ़ रहे थे इसलिए वो डॉक्टर बन गई दूसरी हमें अच्छा लगता है कॉलिंग है पास्टर का कॉलिंग अच्छा लगता है वर्शिपर का कॉलिंग अच्छा लगता है सबकी बट जिस कॉलिंग में परमेश्वर ने आपको दिया गया आटे और खड़े रहो सेवा करो उचित तो समय पे वो तुझे उठाएगा वो पक्षवादी करने वाला परमेश्वर नहीं है लिफ्टिंग अप आने रहा पूछो प्रभु क्या है लोकेशन चेंज करने से आशीष नहीं आने वाला है स्पिरिट हुई है आदमा हो जो बंदा ऑफिस में काम चोरी करता है काम चोरी पता है ना कैसे होता है दस बजे के ऑफिस टाइम कितने बजे पहुंचता है ग्यारह बजे क्या हो गया पंचर हो गया क्या हो गया ससुमा का लूज मोशन हो गया क्या हो गया आज आते हुए जी शहर दिख गया शहर में ऑफिस जाते कंप्यूटर खोलने दस बजे ऑन कर देते हैं काम छोरी उस बंदे ने सोच लिया जाऊंगा जलंधर जलंधर जाके कंप्यूटर और जलंधर में अलग सूर्य सूर्य आता है क्या या अलग सिस्टम बनता है नहीं होगा जहां भी वो रहेंगे आप लोकेशन चेंज करने से आप ब्लेसिंग नहीं पाएंगे इनर कैरेक्टर आशीष जो बंदा फरीदाबाद में ब्लस्ड है वो लखनऊ में ब्लस्ड है जो बंदा फरीदाबाद में ब्लस्ड है वो कैनेडा में ब्लस्ड है आपको लोकेशन आप इसलिए लोकेशन चेंज मत करो परमेश्वर से के डिसीजन लो खुदा ये स्टेप सही है नहीं है मैं आज सुबह आया मैं पिछले एक हफ्ते से कुछ डिसीशन लेने के लिए सोचते आ रहा हूं सोचते आ रहा हूं मैंने आज रति को आगे बोला यार आज मैं गाड़ी में आ रहा था परमिशन वाला ऐसे काम नहीं करना तू इस काम करते रहना मैंने उसको बोला दो महीने के बाद फिर शायद मुझे वो जाग उठेगा तो मुझे याद दिलवाना प्रभु ने तुझे मना कर रखा है क्योंकि दो महीने के बाद हो सकता है फिर कुछली हो जाए या फिर वो काम करे बोलने नहीं परमेश्वर मना कर रहा है तू मुझे याद कर रही हो कॉलेज में आठे और खड़े रहो बोलो पड़ोसी को बुलाहट में आठे और खड़े रहो बुलाहट में आडे और खड़े रहेंगे अपने पैरों में राजा दाऊद के लाइफ से आप सीखेंगे मेरा फेवरेट कैरेक्टर है मैं चार घंटा प्रचार कर सकता हूँ दाऊद के लाइफ से परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें